पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक तालाब में पीला कछुआ मिला है। इसे फ्लैप शेल कछुआ माना जाता है, जो दुर्लभ प्रजाति का है। इस साल में ये दूसरी बार है जब पीला कछुआ मिला हो। इससे पहले ओडिशा में बालासोर जिले के सुजानपुर गांव में लोगों ने ऐसे ही एक दुर्लभ पीले कछुए को पकड़ा था और उसे जिला वन अधिकारियों को सौंप दिया था। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस कछुए को अवर्णता की बीमारी है, जिसकी वजह से किसी प्राणी में मेलानिन की कमी हो जाती है। रंग में इस तरह का बदलाव जीन में आने वाली कुछ स्थायी गड़बड़ी या जन्मजात गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, जो टायरोसिन कणिकाओं के कारण होता है। ये कछुआ अल्बिनो है और ऊपरी शेल पीला है। आंखों की पुतली को छोड़कर कछुए का सब कुछ पीला है। नरम कोशिकाओं वाला भारतीय कछुआ। बर्धमान सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर के सदस्य अर्णव दास ने बताया कि कछुए के शरीर पर कई जगह घाव हैं और उसे इलाज की जरूरत है। ये नरम कोशिकाओं वाला भारतीय कछुआ है। ये मादा है और इसकी उम्र लगभग 1.5 साल है। शारीरिक गड़बड़ियों की वजह से इसका रंग पीला पड़ गया है। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। इस साल के शुरू में इसी तरह का एक कछुआ ओडिशा में मिला था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इसी तरह का कछुआ पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में खेतों से भी मिला था। म्यांमार और पाकिस्तान में पाया जाता है इस तरह का कछुआ। बर्धमान विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर गौतम चंद्र का कहना था कि ये कछुए की दुर्लभ प्रजाति है। इस तरह का कछुआ म्यांमार, पाकिस्तान और दूसरे देशों में पाया जाता है। अल्बिनो एक तरह का त्वचा रोग है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कछुआ पहले सफेद रंग का था और इसके बाद ये पीला हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।